अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज रॉयन मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास टेंथ आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर सिक्सटीन का टॉपिक नैंड गेट और, और गेट. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर सिक्सटीन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द टॉपिक सिक्सटीन पॉइंट नाइन नैन गेट तो नैंड गेट क्या है

एंड फॉलोड बाय नॉट ऑपरेशन तो यहां पर दो ऑपरेशन को उन्होंने कंबाइन करके एक ऑपरेशन बना दिया दैट इज नैंड ऑपरेशन ओके सो एंड ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट होगा उस पर फर्दर नॉर्ट ऑपरेशन जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है देन उसकी जो आउटपुट होती है उसे कहते हैं फर्दर पे नैंड ऑपरेशन क्लियर ओके सो नैंड गेट इज द कपलिंग ऑफ नॉर्ट गेट विद एन आउटपुट टर्मिनल ऑफ एंड गेट सो नैन गेट किस तरह से डिवेलप होता है बेसिकली नैन गेट इज द कपलिंग ऑफ नॉट गेट विथ एन आउटपुट टर्मिनल ऑफ एंड गेट तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर यह है यहां पर एंड गेट और यह है नॉट गेट सो गेट इज द कपलिंग ऑफ नॉर्थ गेट विद एन आउटपुट टर्मिनल ऑफ एंड गेट ठीक है एंड गेट का जो आउटपुट टर्मिनल होगा उसके साथ कपलिंग हो जाएगी नॉर्थ गेट की ओके सो इट बिकम्स नाउ नैंड गेट और जिसको हम इस सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि आप यहां देख सकते हैं ये सिंबल हमने डिस्कस किया था एंड गेट का और सिमिलरली आगे एक छोटी सी हम नॉट लगा देते हैं और दिस शोज कि ये एक कंप्लीट नैंड गेट है ओके okay? अब इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं सो लेट्स सपोज कि यहां पर दो इनपुट्स अप्लाई की जा रही हैं ए और बी अब जैसे कि आपको पता है कि एंड गेट का जो आउटपुट होती है दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी सो यहां पर जो आउटपुट आ जाएगी दैट इज ए एंड बी सो ये किसकी आउटपुट है ये एंड गेट की आउटपुट है और इसकी आउटपुट जो है ये फर्दर नॉट गेट के लिए क्या बन जाएगी एज एन इनपुट बन जाएगी अब ये ए एंड बी ये इनपुट हम पर फर्दर आगे प्रोवाइड करेंगे नॉट गेट को और नॉट गेट क्या करता है इट एक्ट एज एन इन्वर्टर के ये आपकी इनपुट को इनवर्ट कर देता है सो so, हम कह सकते हैं कि यहां पर जो आउटपुट आएगी दैट इज ए एंड बी को इन्वर्ट कर देगी एंड बार शोज कि उसने उस इनपुट को इनवर्ट कर दिया सो so, यहां पर हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा नैंड गेट का दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी बार और बार को हम क्या कहते हैं दैट इज नॉट सो इसको हम इस तरह से रीड करेंगे दैट एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी नॉट ओके

क्लियर आई होप इसकी वर्किंग आपको समझ आ गई होगी अब हम डिस्कस करते हैं इसका ट्रुथ टेबल सो ट्रुथ टेबल में हमने कुछ पॉसिबल कंबिनेशन डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में तो सिमिलरली वो पॉसिबल कंबिनेशन हम डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग नैंड ऑपरेशन ओके सो लेट्स सपोज कि यहां पर मैं कहता हूं कि वो जो जो पॉसिबल कंबिनेशन थे दैट इज जीरो जीरो बहुत इनपुट्स आर लो अब लेट्स पोस्ट के एक और कम्बिनेशन के एक इनपुट जो है वो लो है और एक इनपुट हाई है लेट्स पोस्ट अब ए इनपुट जो है ये हाई है और ये इनपुट लो है और यहां पर मैं कहता हूं कि दोनों इनपुट जो हैं वो हाई क्लियर सो अब इसकी आउटपुट क्या होगी ये आप इसके इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी नॉट ओके सो यहां पर है इनपुट ए और बी दोनों जो है वो जीरो हैं तो अगर आप यहां पर पुट करें जीरो डॉट जीरो एंड बार सो जीरो इंटू जीरो इट बिकम जीरो और जीरो का अगर हम इन्वर्ट कर दें तो इट बिकम्स वन तो यहां पर आउटपुट आ जाएगी वन सिमिलरली अब यहां पर ए इनपुट जीरो और बी इनपुट क्या है वन तो अगेन इसको हम सॉल्व करते हैं नो लेट्स सपोज कि ए इनपुट जीरो और बी इनपुट वन और ऊपर नॉट की बार आ जाएगी एंड जीरो वन जीरो और ऊपर बार एज इट इज तो बार जब हम इनवर्ट करेंगे इसको इट बिकम ऑल्सो वन सिमिलरली अब यहां पर ए इनपुट वन है और बी इनपुट जीरो फिर डिस्कस करते हैं नाउ हियर ए इनपुट इज वन एंड बी इज जीरो जीरो एंड इट इज अगेन बार जीरो की जब हम बार लेंगे सो इट बिकम्स वन नाउ वन इंटू वन एब दोनों इनपुट जो है यह आपकी हाई इनपुट हैं so, इस केस में एंड ऑपरेशन की आउटपुट क्या होगी दिन डॉट वन इट इज वन अगेन बार और वन को जब हम इन्वर्ट करेंगे सो इट बिकम्स जीरो सो अगर आपकी बहुत इनपुट हाई होंगी तो नैंड गेट तब उसकी आउटपुट शो करेगा लो क्लियर जब दोनों इनपुट हाई होंगी तो एंड गेट नैंड गेट जो है वो आउटपुट में आपको लो शो करेगा क्लियर आई होप इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एंड नैंड गेट किस तरह से वर्क करता है ओके okay? so, अब हम डिस्कस करते हैं गेट सो गेट क्या है सिंपली नॉर ऑपरेशन इज सिंपली एंड और ऑपरेशन फॉलोड बाय नॉट ऑपरेशन सो नॉर ऑपरेशन में or operation और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन को बेसिकली कंबाइन किया गया है कि और ऑपरेशन की जो आउटपुट होगी फर्दर नॉट ऑपरेशन उसको फॉलो करेगा मीन्स उसको नॉट ऑपरेशन पर फिर इंप्लीमेंट करके देन एक फाइनल आउटपुट जो देंगे वो बेसिकली आउटपुट होगी नॉर ऑपरेशन की क्लियर सो so, अब हम ये डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं लाइक नॉर गेट इज द कपलिंग ऑफ और गेट विद नॉट गेट ज द कपलिंग ऑफ ऑर गेट विथ नॉट गेट सो यहां पर ये आप देख सकते हैं कि ये ऑर गेट है और सिमिलरली ये नॉट गेट है ओके सो नॉर्थ गेट इज द कपलिंग ऑफ ऑर गेट एंड नॉट गेट और गेट और नॉट गेट की हमने कपलिंग कर दी सो इट बिकम्स क्लियर? अब हम इसकी फर्दर वर्किंग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इनपुट्स को प्रोसेस करके और आपको आउटपुट देता है सो so, लेट्स कि यहां पर मैं कहता हूं कि दो इनपुट्स हैं ए और बी एंड एज यू नो कि और गेट जो है वो इन इनपुट्स की आउटपुट आपको क्या शो करेगा दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए और बी जिसको हम और को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस के साथ सो so, यहां पर मैं कहूंगा कि आउटपुट आ जाएगी ए प्लस बी ये जो आउटपुट है और गेट गेट की ये गेट के ये नॉट क्या बन जाएगी इनपुट बन जाएगी ओके सो so, ये इसके लिए इनपुट बन जाएगी और फर्दर हमारे पास यहां पर आउटपुट आ जाएगी और नॉट गेट क्या करता है इनपुट को इनवर्ट कर देता है so, इस तरह से ये बार शो करेगी कि हम इनपुट को इन्वर्ट कर रहे हैं और इसको हम इस तरह से रीड करेंगे एक्स इक्वल टू ए और बी नॉट क्लियर सिमिलरली यहां पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं ये बेसिकली डायग्राम है नॉर गेट की जिसमें हम और गेट ड्रॉ करते हैं और आगे हम एक नॉट शो करते हैं और दिस शोज कि ये एक नॉर गेट है जिसमें और, और नॉट को कंबाइन किया गया है क्लियर सो so, अगर हम यहां पर लेट्स के वो दो इनपुट्स दें और बी तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी दैट इज एक्स इक्वल्स ए और बी नॉट क्लियर सो आई होप आपको इसकी वर्किंग समझ आ गई होगी अब हम डिस्कस करते हैं इसका ट्रुथ टेबल सो ट्रुथ टेबल में अगेन हम कुछ पॉसिबल कंबिनेशन पहले हम लिख लेते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल के ए इनपुट बी लो है और बी भी लो है अगेन ए इनपुट लो है लेकिन बी हाई है और अब ए हाई है बी लो है और सिमिलरली ए इनपुट बी हाई है और बी इनपुट भी हाई है तो इसकी आउटपुट क्या होगी ये भी आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं लाइक एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी नॉट सो इस एक्सप्रेशन से हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं लाइक ए प्लस बी यहां पर दोनों इनपुट जो है वो जीरो है फर्स्ट केस में जीरो प्लस जीरो नॉट जीरो प्लस जीरो इट बिकम जीरो एंड नॉट तो जीरो को हम इन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा वन so, इस केस में इसका आंसर आ जाएगा वन अब अगेन आपने वन बाय वन इन सब केसेस को सॉल्व करना है लाइक like, अगर हम इसको सॉल्व करें जीरो प्लस वन इट बिकम्स वन लेकिन जब उसका हम इन्वर्ट लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो और सिमिलरली वन प्लस जीरो इट बिकम्स ऑल्सो वन लेकिन जब उसको हम इन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा जीरो अगेन वन प्लस वन इट बिकम्स वन क्योंकि वन प्लस वन को आंसर जो है वो वन हाई ही शो करता है और फर्दर जब उसको हम इन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर भी आ जाएगा जीरो सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट क्लियर आई होप ये सारे गेट्स इन सब के कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे सो so अब हम एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का दैट इज 16.11 पॉइंट अलेवन यूजेज ऑफ लॉजिक गेट्स सो हमने जितने भी गेट्स डिस्कस किए दैट इज एंड गेट नॉर गेट नॉट गेट नैंड गेट नॉर्थ गेट ये सब क्या है लॉजिक गेट्स हैं ओके जो कि आपकी बाइनरी स्टेट्स को लॉजिक स्टेट्स को प्रोसेस करते हैं और आपको एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं ओके? तो अब इन लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल कहां है जैसा कि दिस लॉजिक गेट्स यूजेस एल डी आर टू कीप इनपुट्स लो तो ये लॉजिक गेट्स जो हैं ये एल डी आर का इस्तेमाल करते हैं अपने साथ कि ये इनपुट्स को लो रख सके किस तरह से फंक्शन ऑफ एल डी आर इट एक्ट एज अ स्विच विच इज क्लोज वेन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट एंड ओपन इन द डार्क सो ये एल डी आर बेसिकली इट इज अ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर में यहां पर लिख देता हूं एल डी आर इज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर मींस के इसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रही है किस, किस पर लाइट पर सो इट एक्ट एज अ स्विच तो ये एक स्विच की तरह एक्ट करता है इज और ये क्लोज होता है वेन इल्यूमिनेटेड बाय लाइट जब इस पर लाइट फॉल करती है तो ये स्विच क्लोज हो जाता है और एंड ओपन इन द डार्क और ये जैसे ही डार्क वहां पर अंधेरा छा जाता है तो ये स्विच ओपन हो जाता है क्लियर किस तरह से इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं एक एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन इज हाउस सेफ्टी अलार्म हाउस सेफ्टी अलार्म में क्या क्या चीजें होती हैं बेसिकली किस पर कंसिस्ट कर रहा होता है इट कंसिस्ट ऑफ नैंड गेट एल डी आर पुश बटन स्विच एंड अलार्म तो आप डायग्राम में देख सकते हैं यहां पर आपको एक नैंड गेट शो हो रहा है और सिमिलरली इसके साथ एक एल डी आर भी आपको नजर आ रहा होगा और एक पुश बटन स्विच होगा और इसके साथ साथ एक एंड पर एक अलार्म भी होगा जिसे हम कहते हैं बजर अलार्म अब ये सर्किट किस तरह से वर्क करेगा सो आप देख सकते हैं कि यहां पर नैंड गेट की जो दो इनपुट्स हैं ए और बी ए पर बैटरी से एक हाई इनपुट आ रही है और हाई का मतलब यह होता है कि ए पर वन इनपुट है और सिमिलरली जो बी इनपुट है वो कनेक्टेड है बीच में एक एल डी आर के साथ और एल डी आर जैसे कि मैंने आपसे कहा इट लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर और जैसे ही इस रेजिस्टर पर लाइट फॉल करती है तो ये क्लोज स्विच की तौर पे एक्ट करता है ओके okay? जैसे ही लाइट फॉल करती है इस पर तो ये क्लोज स्विच की तौर पे एक्ट करता है विच मीनस कि यहां पर जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम हो जाती है और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो आपके आउटपुट पर जो बी पॉइंट पे मतलब मींस की जो इनपुट है नैन गेट की वहां पर हाई इनपुट पहुंच जाएगी ओके okay? so, वहां पर हाई इनपुट चली गई अब इस वक्त तो ए पर भी हाई है और बी पर भी हाई है ओके okay? अब दोनों पर जब हाई होगा तो नैन गेट में हमने डिस्कस किया था दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड बी बार सो एंड डी बार मीन के वन डॉट वन करें और अगर आप उसका इन्वर्ट लें तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो सो आपकी आउटपुट शो करेगा जीरो और दैट मीन आपका जो बजर अलार्म है वो ऑन नहीं होगा सो so, अब जैसे ही आपका जो एल डी आर है अगर उस पर लाइट इंटरप्ट करती है जैसे ही वहां पर लाइट इंटरप्ट करेगी अब लाइट एल डी आर पर फॉल नहीं कर रही दैट so, मीन अब एल डी आर की रेजिस्टेंस जो है वो काफी हाई हो जाएगी और जैसे ही एल डी आर की रेजिस्टेंस हाई होगी तो वो बी पर कौन सी इनपुट देगा लो इनपुट देगा विच मींस जीरो सो अब इस केस में आपके जो ए इनपुट थी वो वन थी और बी इनपुट होगी जीरो वन जीरो। सो इस केस में जो नैन गेट की आउटपुट होगी वो होगी वन विच मींस हाई और जब हाई इनपुट होगी तो आपका ऑन हो जाएगा और आपका अलार्म जो है वो साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा क्लियर सिमिलरली अब हम एक और केस डिस्कस करते हैं यहां पर आपको नीचे एक स्विच नजर आ रहा होगा जहां पर एस है। सो so, जैसे ही हम इस स्विच को प्रेस करते हैं तो स्विच को प्रेस करने से होगा क्या कि जो आपकी ए इनपुट आ रही थी हाई बेसिकली सप्लाई वहां पर अभी भी हाई ही आ रही होगी लेकिन जो हाई सप्लाई है स्विच कनेक्ट होने से उसको एक ईजिय पाथ मिल गया तो करंट जो है वो इस इजियत पाथ के थ्रू फ्लो करेगा वो ए इनपुट तक नहीं जाएगा ओके okay? तो नैन गेट तक नहीं जाएगा तो नैन गेट पे इनपुट क्या हो जाएगी जीरो और जैसे ही वहां पर इनपुट जीरो हो जाएगी सो तो अगर नैन गेट को हम एक भी इनपुट जीरो दें तो वो आपको आउटपुट में हाई शो करता है विच मीन के वन शो करता है और जैसे आपको वन शो करेगा तो आपका अलार्म ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा Yeah. So, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम बजम अलार्म को ऑन कर सकते हैं किस तरह से उस स्विच को प्रेस करके या फिर हम एल डी आर पर लाइट को जो लाइट फॉल कर रही है एल डी आर पर उसको इंटरप्ट करके अगर हम उस एल डी आर पर डार्कनेस लेकर आ जाए मीन्स के उस पर अंधेरा लेकर आ जाए वहां पर कोई लाइट फॉल ना कर रही हो तो वो भी जीरो इनपुट शो करेगा नैंड गेट पर और ही वहां पर जीरो इनपुट शो करेगा तो आपके नैन गेट जो है वो आउटपुट पे हाई देगा और अलार्म ऑन हो जाएगा मैंने यहां पर दो तरीके बताए अलार्म किस तरह से ऑन हो सकता है या तो आप उस स्विच को प्रेस कर दें उस तरह से ए टर्मिनल पर जीरो इनपुट जाएगी तो आउटपुट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और बजम अलार्म जो है आपका साउंड प्रोड्यूस करेगा दिस इज द वन मैथड सेकेंड मैथड क्या है अगर आप एल डी आर पर लाइट को इंटरप्ट कर दें, लाइट को इंटरप्ट करने से क्या होगा एल डी आर की रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी जिसकी वजह से बी पर जीरो इनपुट जाएगी और इस तरह से अगेन बज अलार्म आपका ऑन हो जाएगा क्लियर आई होप ये लेक्चर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज